नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, रीट लेवल वन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए दोस्तों ये सूचना है। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों की तैयारी बहुत गजब चल रही होगी और आप लोग अपनी तैयारी को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत आप लोग कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, पिछले कुछ दिनों से मैं आप लोगों के सामने लगातार लाइव नहीं आ पा रहा था और लगातार आपके सामने कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, 13 तारीख और 14 तारीख को SI का पेपर है, उसको लेकर दोस्तों मेरे को कई प्रकार की क्लासेज मेरे अपने मोबाइल ऐप पर लेनी होती है। 18 से लेकर 21 तारीख तक दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट्स के पेपर है, उनकी भी क्लास मेरे को लेनी पड़ती है। दोस्तों इस महीने में बहुत सारे एग्जाम हैं और दोस्तों मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, क्योंकि 18-19 सब्जेक्ट पढ़ाने के बावजूद दोस्तों मेरे को सब विद्यार्थियों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ओके मित्रों, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आज आपका रात को जो टेस्ट होगा, शाम को जो 7 बजे हमारे मोबाइल ऐप पर जो टेस्ट होगा EVS का, वो रहेगा रोजगार नीतियों का। अब तुम कहो कि सर रोजगार नीति आपने पढ़ाई नहीं, तो कोई बात नहीं दोस्तों, जितना आपका उतना कर लेना। मैं रात को 10 बजे जब क्लास में कराऊंगा तो उसमें बहुत सारा अच्छा सॉल्यूशन करा दूंगा, क्योंकि मेरे को जितना इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं सारे क्वेश्चन आपको बता दूंगा रोजगार नीतियों को लेकर। ओके अच्छा दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात, हरीश सर ने दोस्तों आप लोगों के लिए क्या खास किया आप जानते हो। हरीश सर दोस्तों डेली आप लोगों के लिए जो हमने जो 50 मॉडल टेस्ट पेपर आपको दिए थे, यानी जो 50 मॉडल टेस्ट पेपर आपको ऐप के माध्यम से दिए गए थे, उनमें से डेली हरीश सर आपको मैथमेटिक्स के 2 मॉडल टेस्ट पेपर तैयार कराते हैं। यानी इन 15 दिनों में लगभग दोस्तों हरीश सर 50 में से 30 मॉडल टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन डेली आप लोगों के सामने लेकर आते हैं 2 घंटे की कक्षा के माध्यम से। और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी और दोस्तों, आज आपके उमेश सर की जो बुक के क्वेश्चन थे, अरे उमेश सर की बुक आप सबके पास थी, उमेश सर ने अपनी बुक का पूरा डिटेल सॉल्यूशन आप लोगों को करा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो आपकी गलती है दोस्तों। उमेश सर ने अपनी बुक के दोस्तों जो लगभग 2000 प्रश्न थे ना, उन 2000 प्रश्नों का दोस्तों डिटेल में सॉल्यूशन करा दिया, जिसके 76 वीडियो आप लोगों को मिले। यानी उमेश सर ने 76 वीडियोज के माध्यम से लगभग 1900 से भी ज़्यादा प्रश्न आप लोगों को अपनी बुक का डिटेल सॉल्यूशन करा दिया, जिसमें जो भी करेक्शन था वो सारा करेक्शन आपको करा दिया गया। अब उमेश सर कल से तुम्हारे लिए क्या खास कर रहे हैं, ये काम की बात है दोस्तों। कल से उमेश सर लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए डेली के 100 प्रश्नों की एक कक्षा दोस्तों, यानी 50 प्रश्न दिन में और 50 प्रश्न रात में, यानी 100 प्रश्न उमेश सर आप लोगों को डेली कराने वाले हैं दोस्तों। 100 प्रश्न डेली आप लोगों को उमेश सर कराने वाले दोस्तों, 50-50 प्रश्नों के आधार पर, या उमेश सर से मैं बात करूंगा 30-30 भी ला सकते हैं दोस्तों अभी वाले, तो 30 प्रश्न दिन में और 30 प्रश्न शाम को, 60 प्रश्न डेली लाएंगे, तो 15 दिन के हो गए 1900 प्रश्न। 15 दिन के कितने हो गए 1900 प्रश्न हो जाएंगे, और इन 1900 अगर आप 60 करोगे तो 900 प्रश्न आप लोगों के सामने जाएंगे। तो इन 900 प्रश्नों को करोगे तो साइकोलॉजी में डर नहीं रहेगा। फिर मैं और मदन सर क्या करेंगे दोस्तों, मैं और मदन सर 16 तारीख से लेकर 21 तारीख तक आप लोगों के लिए लगातार क्लास लगाएंगे, क्योंकि 16 से लेकर 21 तारीख तक दोस्तों आप लोगों की क्लासें रहेगी, महा मैराथन कक्षा रहेगी, लगभग 10 घंटे हम कक्षा लेंगे, जिसमें आपका एक बार पूरा दोस्तों क्वेश्चनों के माध्यम से रैपिड रिवीजन कराएंगे। मतलब लगातार फास्ट रिवीजन, जिसमें आपसे ज्यादा बातें नहीं करेंगे, लगातार रिवीजन कराएंगे। वैसे आप लोगों की तैयारी गजब हो रखी है, हमारी टीम ने और मैंने मिलकर आप लोगों की तैयारी गजब करा रखी है, टेंशन की किसी को आवश्यकता नहीं। 23 तारीख को दोस्तों आपको विदा कर देंगे, 23 तारीख आपकी लास्ट क्लास रहेगी, 24 तारीख को लास्ट क्लास रहे, 25 तारीख को हम कोई क्लास नहीं देंगे, और 26 तारीख के लिए दोस्तों अग्रिम शुभकामनाएं आपको देते और माता रानी से दुआ करते हैं, आप लोगों के लिए मनोकामना करते हैं कि सभी लोगों का पेपर शाम को, मतलब सबका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। एक दोस्तों डर जो है ना, वो तो दिल से, अपने दिल से निकाल देना दोस्तों। मैं बता दूं दोस्तों, मैंने कहा ना मेरी जीवा पर सरस्वती माँ विराजमान रहती है। कल दोस्तों 10 तारीख को एक पेपर हुआ था हमारे राजस्थान के अंदर अकाउंट्स ऑफिसर का, जिसमें मेरे लगभग 90 से ऊपर पर्सन दोस्तों मेरे पढ़ाए हुए आए थे। तो दोस्तों भगवान से दुआ करना, हमेशा दोस्तों जो मैं सपना लेकर देता हूँ वो सपना पूरा होता है, इस बार भी ये सपना पूरा होगा और मेरे 500 प्लस विद्यार्थियों का सिलेक्शन होकर रहेगा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, अभी शाम को 7 बजे रोजगार नीतियों का टेस्ट रहेगा और रात को 10 बजे उसका मैं डिटेल सॉल्यूशन कराऊंगा। डेली आप लोगों का एक टेस्ट होता है दोस्तों, अभी 15 दिन है, 15 दिन में मैं 2-2 टॉपिक लूंगा, 30 टॉपिक कराऊंगा। कल से दोस्तों आप लोगों के 2-2 टॉपिक कराऊंगा और 2-2 टॉपिक के टेस्ट लूंगा और उससे आपका पूरा रिविजन कराता जाऊंगा। ओके उम्मीद करता हूं। अच्छा कई लोग कहते हैं सर शिक्षण विद्या, दोस्तों शिक्षण विद्या मैंने खूब पढ़ा रखी है, आप देख लो दोस्तों। मैं मैराथन क्लास अगर नहीं भी ले पहले बार तो लेके आऊँगा, अगर मेरा भाई साहब खुदा ना खास्ता नहीं लेके पाया तो मैराथन मैं आपको शिक्षण विद्या बहुत करा रखे, हिंदी की शिक्षण विद्या, मैथमेटिक्स की, पर्याप्त सब शिक्षण विद्या करा रखे। जो बच्चा रेगुलर मेरे से जुड़ा हुआ दोस्तों उसको पता है कि मुख्य सर ने सारी शिक्षण विद्या करा रखी है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक तो कमेंट करके जवाब जरूर देना, सब लोग कमेंट करके जवाब देना कि डर नाम की चीज़ तो नहीं ना,
डरना नहीं दोस्तों। जब दोस्तों मेरा जैसा स्टूडेंट जो सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ स्टूडेंट है, जब वो दोस्तों चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है, कंपनी सेक्रेटरी और दो बार पीएचडी कर सकता है, ओके, और इंडिया के 200 टॉप से टॉप टिपिकल एग्जाम्स को क्लिक मतलब क्रैक किया है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट का, कंपनी सेक्रेटरी का, डबल पीएचडी करना, एलएलबी करना, ये सब दोस्तों मैंने जब किया तो आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो, बस दोस्तों आपको सही दिशा और सही नॉलेज की ज़रूरत है। आपको नेगेटिव फैक्ट से दूर रहना, नेगेटिव तथ्यों से दूर रहना, नेगेटिव लोगों से तो दूर ही रहो दोस्तों, जो आपको टांग खींच कर नीचे लाने की कोशिश कर उनसे दूर रहा करो। मैंने दोस्तों अपने जीवन में कभी नेगेटिव लोगों के सामने बात, मैंने नेगेटिव विचार आया ही नहीं मन में। ऑल इज वेल, हमेशा अच्छा होगा, हमेशा अच्छा होगा, हमेशा अच्छा होगा, तो हमेशा अच्छा ही होगा। तो अब तुम कहोगे पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मेरे को डर लग रहा है, मेरा क्या होगा, तो गलत होगा। पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओके। ब्लड ग्रुप तुम्हारा कोई सा भी हो, इससे मतलब नहीं, बी पॉजिटिव लीजिए दोस्तों। रोना रीखना बंद कर दीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। अच्छा होगा, हम जीतेंगे, हम सफल होंगे, हम टॉप करेंगे, यही संकल्प आप लोगों के मन में रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए आप लोग कि माँ बाप क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा। समाज के बारे में देखोगे ना दोस्तों तो फिर देखते रहना, ये दुनिया दोस्तों हर किसी के बारे में गलत ही सोचती रहती है दोस्तों। सफल होंगे तो सब अच्छा सोचेगी, और नेगेटिव होंगे या असफल होंगे तो सब गलत सोचेंगे दोस्तों। अगर आप लोगों ने जीवन में कितने भी गलत काम किए हो, आपने दोस्तों कितना भी कुछ किया हो, जब आप सफल हो जाएंगे ना तो पता क्या कहेंगे दुनिया, यार ये बंदा पढ़ता तो बहुत था दोस्तों, मतलब थोड़ा शैतान था लेकिन पढ़ता बहुत था। लेकिन दोस्तों अगर आप असफल होंगे ना तो पता क्या होगा कि नज़रिया लोगों का बदल जाता है कि साला बेकार था, इधर उधर घूमता रहता था, मोबाइल पे लगा रहता था, फालतू बातें करता था, कमेंट करता था, ये फेल होने लायक ही था। ये दुनिया के नज़रिए दोस्तों, दुनिया का नज़रिया बदल जाता है मेरे प्यारे साथियों। मैंने जब अपना काम शुरू किया, मेरे ऊपर भी दोस्तों बहुत लोगों ने किया, क्या कर पाएगा, इससे क्या होगा, और आज देख लो किस मुकाम पर है दोस्तों। आज अपने दो दो चैनल है, दोनों चैनल तरक्की की ओर चल रहे, और हजारों लाखों स्टूडेंट दोस्तों अपने से लाभान्वित हो रहे मित्रों। और मैं सिलेक्शन के लिए काम करता हूं दोस्तों, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं कितने लोग लाइव है, कितने, डजंट मैटर मित्रों। अगर 10 लोग लाइव है तो 10 के 10 का सिलेक्शन हो जाए मित्रों, यही मेरी जीत है। और इसी संकल्प के साथ मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहता हूं, और इसी संकल्प के साथ मैं और मेरी टीम आप लोगों के सामने रहती है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आपको ये ना लगे मित्रों कि मुकेश सर आप लोगों के साथ नहीं है, मैं आपके साथ था, आपके साथ हूं और आपके साथ रहूंगा मित्रों। ये ध्यान रखना मित्रों, ये जरूर है दोस्तों। अभी मैं कुछ और कामों में बिजी हूं, ऐसा ही एग्जाम, जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम, कोले लेक्चरर के पेपर, बहुत सारे पेपर्स हैं, उन बच्चों का रिवीजन कराना ये मेरा नैतिक दायित्व है, और तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारा भी रिवीजन कराना मेरा नैतिक दायित्व है। तो दोस्तों तैयार रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो, और ये कमेंट करके जरूर बताना। मैं चाहता हूं इस वीडियो के नीचे कम से कम 500 विद्यार्थियों के कमेंट आए जो रेगुलर मेरे साथ जुड़े हुए, और आप बिल्कुल मोटिवेशन के साथ रहो यार मित्रों, जीत गए तुम सफल हो गए दोस्तों। 26 तारीख का पेपर तुम फाड़ चुके, ये सोचो तो 26 तारीख का पेपर बहुत ईजी आएगा। अच्छा दोस्तों, कई बच्चे बोलते हैं सर पेपर आउट हो गया, अरे हो गया तो बाहर हो गया, अपने क्या मतलब है, अपने को एक सीट से मतलब है, एक सीट अपनी रहेगी, पेपर आउट हुआ नहीं हुआ, बिका नहीं बिका, डजंट मैटर, क्या मतलब, अपने मतलब नहीं है, अपने को मतलब है अपनी एक सीट चाहिए, और वो एक सीट हमको मिल कर रहेगी, उसको हम छीन करेंगे तो वो तो आपकी रहेगी रहेगी, ओके। तो किसी भी प्रकार का आपको डिमोटिलाइज नहीं होना, हतोत्साहित नहीं होना, आपको हमेशा जीतने के तैयार रहना और मस्त रहना, चिल्ड रहना, सिर पर प्रेशर नहीं डालना, मेरा क्या होगा, प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं डालना, ओके। धन्यवाद मेरे प्यार साथियों, मस्त रहो, खुश रहो, ऑल द बेस्ट मेरे प्यार साथियों, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।